सांसद रीति पाठक ने कहा कि किसानों के हित में लाए गए किसान बिल को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। किसानों को इसका अध्ययन कर किसी के भी बहकावे में ना आने की जरूरत है। बीजेपी की सरकार किसानों की सरकार है। सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानून को लेकर मीडिया से चर्चा की। वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश द्विवेदी, सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, विधायक रामलल्लू बैस, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा किसान बिल किसानों की तरक्की की नई इबारत लिखेंगे। सांसद रीति पाठक ने कहा कि किसान बिल को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, किसानों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। केंद्र सरकार ने MSP लागू की है जो जनहित व किसान हित पे है। वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया किसान बिल किसानों के हित में है। ये किसान आंदोलन के रूप में एक ऐसा विषय हम सब के समक्ष आ रहा है जिस पे हम सब चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत तरह की भ्रांतियां इस देश में फैलाई जा रही हैं। और आपको ही पता है कि राजनीतिक रूप से हमारे किसान भाइयों जो सच में किसान हैं कहीं ना कहीं और उनको मोड़ दिया गया है, उनका राजनीतिक रूप से उपयोग किया गया है। इसलिए आपके समक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे 3 दिन का एक कार्यक्रम जो निकला है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन भ्रांतियों को, उन संदेह को दूर कर सकें, चाहे वो आपसे संवाद करके हो और दूसरे दिन का कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से उन भ्रांतियों को दूर किया जा सके और फिर तीसरे दिन का कार्यक्रम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी की उपस्थिति में संभागीय सम्मेलन के रूप में संवाद करके होगा। देश की अपनी लोकप्रिय मोदी सरकार है, उसने किसानों के हित में 3 विधेयक पास किए हैं जिसको लेकर कुछ ऐसे किसान संगठन जिनकी कमान राजनीतिक लोगों के हाथ में है, पीछे से उसको ऐसे लोग देश में भ्रम का वातावरण तैयार कर रहे हैं और सरकार की खिलाफत करना चाह रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।